जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे एसआरई बैच की एक और स्टूडेंट जिनके स्कोर कितने हैं? 635। ज्योति, ये बताइए आप कि आप कहाँ से? गोरखपुर से हैं। लास्ट ईयर कितने स्कोर थे आपके? 546। ज्योति, जब आपके लास्ट ईयर 546 थे तो आपने ये बताइए न्यूलाइट ही क्यों चुना? मेरे सीनियर्स, जो मेरे स्कूल के सीनियर्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यूलाइट अच्छी कोचिंग है, उनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने भी सीनियर्स ने आपको सलाह दी कि आप न्यूलाइट चले जाइए। तो आप न्यूलाइट आई, आपने कौन एसआरई बैच में एडमिशन लिया? हाँ। तो उसके बाद आपने अपनी तैयारी कैसे शुरू की? यहाँ पे डॉक्टर एसपी सर से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें गाइडेंस दिया। उन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत सारी मतलब रही और उससे फिर मुझे गाइडेंस मिला और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। खास करके सर ने बोला कि एनसीईआरटी बेस ही अपनी तैयारी रखना, क्योंकि नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस होता है। मैंने वैसे ही अपनी तैयारी तो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज और नीट के पेपर में आपको क्या सिमिलरिटी देखने को मिली? बहुत सिमिलरिटी, मतलब मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मैं इतने का न्यूलाइट का नेक्स्ट पेपर ही दे रही हूँ, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी बेस था। जैसा सर ने यहाँ पे कराया वैसे ही सेम वहाँ पे पेपर थे। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लिया आपने कि आपको वो भी पेपर बिल्कुल न्यूलाइट जैसा लग रहा था। तो 546 जब आए आपके, मतलब उस टाइम क्या कमी रह गई थी? टेस्ट की कमी थी, मतलब मेरा कोर्स लगभग हो गया था लेकिन मुझे टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मुझे यही लगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, ओएमआर मिस्टेक्स नहीं करनी है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट की प्रैक्टिस हो गई, जिसकी वजह से ये आपके स्कोर आ रहे हैं 635। रैंक कितनी है आपकी? 11,746। तो घर पे सब खुश? हाँ। फाइनली ज्योति डॉक्टर बन गई। तो ज्योति इस बार सिक्योर कर रही है 635। ज्योति ने बताया कि इनके जब 546 आए थे तो इनके टेस्ट में कमी रह गई थी, जिसकी वजह से इनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ज्योति, आप उन दोस्तों को क्या कहना चाहेंगी जिनके मार्क्स जो हैं 550, 540 या 560 के करीब हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं उनका मेन यही है कि अपनी चीज़ों को रिवाइज करें, जो भी उन्होंने पढ़ा है एनसीईआरटी बेस रखें और आगे टेस्ट की प्रैक्टिस करें और ओएमआर की प्रैक्टिस भी करते रहें। ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त, ध्यान रखो, अगर आपके 550, 560 हैं तो अपने प्रैक्टिस में कमी मत करो, क्योंकि ज्योति की कमी रह गई थी टेस्ट की, जिसकी वजह से इनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट फाइनली अब ज्योति डॉक्टर बनने जा रही हैं। ज्योति, कांग्रेचुलेशंस आपको आगे की जर्नी के लिए। तो यार, ध्यान रखो, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।